मेरुपुर दो वक्ता बतायो के बार कई लोग यो के भाई राजनीति चमकाउन वास्ते करे यार भाई हमारे एन हमारे आरक्षण मिल रही है तो भी आरक्षण मिलने को भी जस्ट लौन वास्ते क्या लोग हमें मीटिंग करी और आज तक कोई मीटिंग नहीं करी। मैं एक चीज लिखी कि भाई 35 विधानसभा और 7 लोकसभा में विष्णु समाज को इफेक्ट पड़े तो भाई हूँ शुरू करूँ भाई सब हलो इफेक्ट तो आप सब लोगों ने ध्यान है कि फलोदी बाद में लोहट लूणी ओशिया आज बेटी संस्थान के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित केंद्रीय ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान द्वारा इस बैठक में विराजमान संत समाज के चरणों में शीर्ष वंदन हमारे जोधपुर जिले के काकाणी से लेकर कारनासर तक इधर मंडला से लेकर बिलाड़ा भोपालगढ़ तक रोहित जालोर सांचोर गंगानगर बीकानेर बारला एरिया का लोग कम आया पर फिर भी बंगी उपस्थिति है। फलोदी जांबा लोहट हर जगह से पधारे हुए समाज के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों प्रभुजनों सरपंचगण पूर्व सरपंचगण और दोनों पार्टियों का और आज में तीजी पार्टी और चल रही है तो भी तीजी पार्टी का भी पदाधिकारीगण चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के पदाधिकारीगण पूर्व जनप्रतिनिधि और इस विष्णुई समाज के सिरमोहर वो विष्णुई समाज का भविष्य सभी मेरे युवा साथी सबसे पहले तो मैं अपनी हृदय की अनंत गहराई से मैं आप सभी लोगों का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस एक छोटे से समय में हमने अभी 2-3 दिन पूर्व में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और जितनी हली इतना को टाइम हो वो एक दिन को समय हमारे परिवार में भी एक बार शोक चले तो ये तो समय मिली हो नहीं आप लोगों ने इतना करने को तो बिंग वास्ते इतना को टाइम सिर्फ मारे एक दिन को समय हो एक दिन के समय में आप सब लोग इतनी अच्छी संख्या में पधारिया तो बिंग वास्ते मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ और स्वागत करूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने चाहे एस के साहब को हमारे मैन राम निवास क्या होता है आर के साहब नहीं एस के साहब है तो मैं क्यों अजय तो आरक्षण की दूजी मीटिंग है समिति की दूजी मीटिंग है केटा मैं धकू धके नाम उड़ता समझ नहीं आवे जो को केटा कई के नया नाम हो जाए अजय तो एस मत आया एस धके टी यू वी आर तो को घना आगे चलता रही तो जेड भाई एस के साहब है जेड के साहब भी करते हुए तो कई धको धके नाम चलता रही। आगे मैं संघर्ष ने सलाम करूं आप एस के साहब ही है जो को मैंने सारी आरक्षण की बात समझाई मैं कम से कम भाई घंटों आगे ने बैठा रिया पूरी रामायण शुरुआत लेन एंड तक की सब बात समझी फिर बाद में जो को लोगों को प्यार और स्नेह जगह इतनी मेहनत हूँ लाला 23 वर्षों जीता काम कर रिया पर तो भी आने समाज वास्ते आने कोई एडो नीचे जो कि समाज एक मन बुला रहे कोई मंच माते सर्टिफिकेट देवे कि भाई फलाना आदमी समाज वास्ते बड़ी मेहनत करी आज ये बड़ा सक्षम आदमी है अंग बच्चा सब पढ़ लिख लिया है पर तो भी आने है कि समाज वास्ते मैंने की करना है और पहला भी मैंने आप बात की कि भाई मेरे तो कोई एक नेता हलो प्रेम नहीं हो मैं भाई राम सिंह जी को तो खास चेलो हो पूनम चंद जी कने रामनारायण जी कने चाहे भजनलाल जी कने जितना भी अटे पुराना अपना नेता बाऊँ सबों में कन जाओ तो बंग अटे बैठ तो बहु बात कर दो और मैं मेरी बात यूँ सुनता कि मेरी बात लीगली सही हुई तो पिछले 23 वर्षों चल रही हो संघर्ष में आप सब लोगों ने ध्यान है अबार मेरुपुर दो वक्ता बतायो कई बार कई लोग यो कि भाई राजनीति चमकाउन वास्ते करे यार भाई हमारे एन हमारे आरक्षण मिल रही है तो भी आरक्षण मिलने को भी जस्ट लौन वास्ते क्या लोग हमें मीटिंग करी और आज तक कोई मीटिंग नहीं करी तो मेरे तो आप सब लोगों को एक निवेदन है कि लाला सन 2000 में 1-1-2000 में राजस्थान में अपने स्टेट में आरक्षण मिली और कोई मंच सामाजिक मंच हो चाहे राजनीतिक मंच कोई मंच में मुझे आप में से कोई एक व्यक्ति खड़े होकर बता दे कि भाई हमारे परिवार में से
खुद राम सिंह जी ने या हमारे परिवार में से किसी व्यक्ति ने खड़े होके कहा हो कि भाई माया नहीं थाने आरक्षण दी रहे हो, हाँ अटे स्टेट में थे हमारे हाथ रो। फिर राजनीति चमकाउन की जरूरत बंद पड़े, क्योंकि समाज को आशीर्वाद मार माता हमेशा हो रही हो है। आज तीन पीढ़ी में MLA है तो आपको आशीर्वाद सभा में दे रही हो है, तो राजनीति ऑटोमेटिक चमकी पर राजनीति चमकी राजनीतिक रूप को आप लोग ताकत दी राम सिंह जी ने। और भी टाइम में 98 में जिन्हें सरकार बनी, अब रामलाल जी भी आपने बतायो कि भाई मैं भाई पूनम चंद जी 93 में भी आ चीज गई कि भाई अटे स्टेट में आरक्षण मिलेला विष्णु ने। 98 में भी घोषणा पत्र में कियो कि विष्णु ने आरक्षण मिलेला, पर अभी घोषणा माते भी पार्टी ने खरो भी राखनो पड़े। तो बिंग वास्ते जितना भी पार्टी का विधायक का आज 5 MLA है, और मेरे ख्याल भी टाइम भी कांग्रेस पार्टी का 5 MLA है। राम सिंह जी हा, अपने KC बिश्नोई जी हा, अपने हीरालाल जी हा, तो 5 विधायक हा। तो 5 विधायक एकजुट होन खुद की बात रखी, रामनारायण जी भी जिंदा विधायक हा, सब बात रखी, अपन अटे आरक्षण मिली। और वो आप लोगों की ताकत थी कि भाई जितना MLA आप सब सीनियर हा, फर्स्ट टाइम MLA कोई हो ही नहीं, सब कोई सेकेंड टाइम, कोई थर्ड टाइम, कोई छठी बार। तो वो समाज की एक शक्ति, समाज को एक आशीर्वाद, और समाज आते रही हो तो वह कोई बड़ो काम नहीं करियो, वह समाज वास्ते अगर कोई काम कर रही हो। अगर मैं लोग आज आपने बुला रही है, आप लोग हटा रही हो, तो भी मैं आप लोगों की अगली पीढ़ी वास्ते आप योगदान करो। अगर मैं लोग का पेन लेने काम कर रही है, तो भी कोई मैं कोई बड़ो काम नहीं कर रही हूँ, तो मारो कर्तव्य बने आज समाज मैंने सक्षम बने हो, आज ये रूप मत करियो के मैं लोग आप लोगों ने बुलाओ और आप अट हाजिर हो, आप अट सब बता रिया। तो भारी आप लोग बात मानो तो इन वास्ते अगर आप मैं आप लोगों ने एकत्रित करी आज बात कर रही हैं, तो मारो कर्तव्य बने मैं आप लोगों की सेवा करा, समाज वास्ते कोई बात रख। तो लगातार 23 वर्षों चाहे अपना विष्णु महासभा का संरक्षक आदरणीय कुलदीप जी हो, चाहे अपना पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी हो, चाहे देवेंद्र जी हो, हर कोई खुद का प्रयास करिए, कोशिश करी। अब आप लोगों ने मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि समाज की मैं खुद का प्रयास लगातार जारी रखी। आप आज की मीटिंग कर रही हैं, आप कोई बार ने कोई हमें पैरेलल करने वास्ते या बाकी कोई प्रतिद्वंदी आप नहीं कर रही, आप आज जो मीटिंग कर रही हैं तो एक वास्ते कर रही हैं, क्योंकि पहली मीटिंग हुई अबार बताओ था, पहली मीटिंग में सिर्फ 50 जन, आज अट आया तो आज 1000 की संख्या में आप लोग आया, आगे मीटिंग में और संख्या बढ़ेला। तो जो को भी समाज को नेता अगर जान इस शीर्ष केंद्र के शीर्ष नेताओं मिलेला, तो वो कहवेला भाई मारो समाज नाराज हो रही हो, मारो समाज में गुस्सो है और भी आरक्षण की मांग कर रही हो, तो बांगी आपा आवाज बुलंद कर रही है। मैं चाहे जसवंत सिंह जी आज कोई नेताओं मिले, चाहे कुलदीप जी मिले, तो बांगी आवाज आज बुलंद ही वेला के बटे आज महाराला 2-3 हजार बेड़ा हुआ और ताने हली गालियां देवता के अगली बार गाँव के माए नहीं बढ़न डाला, तो बांगो तो हलो रस्तो मजबूत ही हो। तो मैं कोई नेता ने कमजोर करने वास्ते एकत्रित नहीं हुआ, बाने और मजबूत करने वास्ते और ये आंदोलन है और मजबूत करने वास्ते मैं एकत्रित हुआ। समाज में कोई व्यक्ति नहीं है, सभी जितना भी समाज का विधायक करना सभा ने कियो, अबार बांगे विधानसभा चल रही नहीं आ पाया, भाई समाज के अध्यक्ष जी ने कियो, हर जगह जो को पोस्ट मत आदमी है सभा ने इतना करी, क्योंकि अपने वास्ते सब चीज बराबर है और समाज को प्लेटफॉर्म है। आज वो आरक्षण मिली तो आपके हमारे सबंगे बच्चांगे बच्चियांगे काम आवे। बात करा के भाई लाड प्रेम मिल जावे, तो लाड प्रेम ही तो के विष्णु समाज के सब बड़ी जगह में आप बाबा ने निमंत्रण देवा, आप बाबा ने बुलावा, बटे साफो पहरावा, बाने बाने स्मृति चिन्ह भेंट करा, पटू ओढ़ावा, जो आपनों हर संभव कोशिश हुए शालीनता हूँ आगे बैठ खुद की एकदम तमीज हूँ, भी टाइम भी बड़ो कोई चीते आलो बड़ो प्रकरण चलो ना, मैं डरी उड़ा के यार थे कोई विरोध करो ला, मैं क्यों नहीं विष्णु ही करेगा विरोध तो खुला करेगा, खुद की जगह में नहीं करेगा, बांगे खुद के घर में मैं विरोध करने को मारे हिम्मत है तो मैं मारी घरे बुलान मारे विरोध किंग ही नहीं करा। तो हमने उनकी बात सुनी, आज भी बात ने भी लगभग मेरे ख्याल 1 साल हुआ उनका, वहां पे स्वागत हुआ, जोधपुर में स्वागत हुआ, बीकानेर में स्वागत हुआ, जनसभा हुई, जनसभा में उनकी बात हमने सुनी, उनके सभी मंत्रियों का हमने स्वागत किया और वैज्ञों के साथ बात करा ला, आपने बुलान आगे मैं बात करा ला। तो आज अटे जितना ही प्रांगण में लोग बैठा है मेरे ख्याल सब व्यक्ति तो सक्षम है, तो समझदार है, क्या अपन ध्यान है कि भाई अगर बात करा अटे राज की तो ध्यान है भाई जब भी बात करनी कोई बड़ी बात है तो अशोक जी ने कहना पड़ेगा तो ही बात आप पार पड़ेगा,
जी बटे केंद्र सरकार में अपन ध्यान है कि सिर्फ दो ही व्यक्ति है, या अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी हो, या मोदी जी फाइनल करेला कि आरक्षण अपन हाँ तो अपन आरक्षण मिलेला कि अमित शाह अगर अपन हाँ करे तो अपन आरक्षण मिले। तो पिछली कई मीटिंग हुई आ बात ये बात की बड़ी तकलीफ होती कि आप हर जगह बुलावा समाज के लोगों नोरा कडावा बट हाथ ऊंचा करावा कि भाई आरक्षण सही जगह मैं आता हा। सब लोग हाथ खड़ा करिया, हाथ खड़ा करने के बावजूद सब लोगों के पूछे बावजूद आज भी भाई समाज का सभी एमएलए वगैरह एक बार अटे 31 दिसंबर का अटे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जसवंत सिंह जी बुलाया सभा ने, आप कई कोशिश कर चुका, कोशिशों अपनी पार नहीं पड़ी। कोई समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आज की तारीख तक ना देश के गृह मंत्री जी हूँ ना प्रधानमंत्री हूँ अजय तक एक मीटिंग तो मेरे ख्याल में नहीं करेगी। आप लोग बता दो कि भाई आप लोगों ने ध्यान में कोई अपने समाज कोई प्रतिनिधि मंडल अपने आरक्षण संबंध में अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मिलिया हो तो आप लोग बता दो मिलिया कहीं। तो आज समस्या है कि अपन लोगों ने मजबूत होन विद्रोह करना पड़े, आप विद्रोह करा ला। और मैं नहीं कहवा कि मने बड़े भाई मोदी जी जोड़ो उठ मने आरक्षण लेना, मारे कोई जस नहीं चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद हो, गुरु जम्मे जी का आशीर्वाद हो, बड़ा है चीज हूँ आप लोगों की अच्छी सेवा कर रही हैं। मैं तो वही चाहवा मैं अटे जिंदा अटे धमकी देवाला विरोध कराला तो समाज को प्रतिनिधि मंडल, तो प्रतिनिधि मंडल में अब जितना मौजूदा विधायक जितना पूर्व विधायक समाज का अध्यक्ष समाज का संरक्षक साहब जितना सब लोगों ने बटे बुलावे और बांगी बात सुने और माने पूर्ण विश्वास दिलावे कि मैं लोग आप लोगों ने जल्दी जल्द केंद्र में आरक्षण देवाला तो अपनो जितनी मूवमेंट है आरक्षण वाली मीटिंग आए इन आंदोलन में मीटिंग आंदोलन में तब्दील नहीं होला, नहीं तो आ जगह अपन एकदम ठहेगी बूढ़िया ली है। मैं वही कह तो मैं क्यों पटरी लारी है तो मैं गुजरना ने होद नहीं पड़ी पटरिया कटी अपने लारी या भीड़ दौड़ में जान बेवड़ो है और पूरे जोधपुर की हमार नई ट्रेन भी हरू हुई है तो वह ट्रेन भी बंद हुई तो कई एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनी कि अब तक जगह लोग 363 लोग सही दिया और मैं इतना कुछ लोग पर्यावरण वास्ते कर रहा है मूक प्राणियों वास्ते कर रही है और मैं पहली बार खुद की कोई मांग वास्ते आज अटे रोडा माते उतरी है आज पटरिया माते बैठी है तो अपन ने कोई ना कोई अपनी मजबूरी वेला और सर्व समाज अपने साथ जुड़ेगा इसकी मुझे पूर्ण भरोसा। बाकी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भाई लीगल तरीके हूँ आप कटे अटक रही या लीगल रूप हूँ आप कटे आ गया बिंग आपने पूर्ण जानकारी दी, युवा साथी भी बतायो आगे मीटिंग ही सही राम जी एस के साहब मीटिंग करी एस के साहब मन लेन गया आपने हल्लो पड़ेला मैं बट मीटिंग में गया बातचीत करी सब चीज समझी बिंग बाद में मीटिंग में जाऊन बात कही युवा साथियों ने ध्यान पड़ी हो कि भाई क्या आप साहब प्रमुख साहब आप बट मीटिंग में गया आगे की कई रणनीति है अपन आरक्षण मिलेला नहीं मिलेला आरक्षण। आज मान लो आईएएस तो चाहे एक बच्ची बनी और अब आप बताओ तो अभी बच्ची नहीं सिक्किम मिली हो पर बच्चा इतना बाकी संख्या बहुत ज़्यादा है जगह आईआईटी वास्ते पढ़ाई करे मेरे पूर्व वक्ता भाई अपने अभिषेक अभिषेक आ बात बताई कि भाई मन दिल्ली मिली हो नहीं तो मन अच्छो कटे आईआईटी अच्छी मिलती तो आईआईटी में चाहे एम्स में चाहे क्लैट चाहे नीट में हर जगह चाहे डॉक्टर की पढ़ाई में अपन इनकी बहुत फायदों मिलेगा केंद्र में आरक्षण होगा और अबार और समय है अबार और समय है कि जिंदा सब पार्टियां ने अपनी जरूर क्योंकि अबार अब अपनो बनायो अबार मैं पप्सा हूँ पूछ तो मैं क्यों पप्सा मैं प्रेस वार्ता में एक चीज लिखी कि भाई 35 विधानसभा और 7 लोकसभा में विष्णोई समाज को इफेक्ट पड़े तो भाई हूँ शुरू करूँ भाई सबू हेलो इफेक्ट तो आप सब लोगों ने ध्यान है कि फलोदी बाद में लोहट लूणी ओसिया बिलाड़ा भोपालगढ़ सरदारपुरा सूरसागर शेरगढ़ पोगरण चोटन गुड़ामलानी बाड़मेर भीनमाल साचोर रानीवाड़ा जालोर पाली असिंद मेड़ता डीडवाणा नागौर जायल खींवसर नोखा कोलायत बीकानेर नोहर भादरा सांगरिया सूरतगढ़ हनुमानगढ़ श्री गंगानगर खाजूवाड़ा पीलीभंगा पूरी 35 विधानसभा और बिंग बाद में 7 लोकसभा है जी मुहैंग जरूरी है और आपने ध्यान ही है जोधपुर लोकसभा पाली जैसलमेर बाड़मेर
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, सिरोही, बीकानेर, राजसमंद, हरदा, सातों आठ भाई राजसमंद तक आएगी, बिंग बाद में आपके हरदा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, खूब विष्णु ही है। तो अपने 35 विधानसभा, कोई कहे भाई आंकड़ा ही ठीक है, कल परसों कोई कहता भाई इतना विष्णु या 50 लाख हाँ, कोई लारी बैठो हो गया यार जी देखो। तो अब मैंने भी वो लगे मैं पक्षा हूँ बैठो ना, 200 विधानसभा की लिस्ट लेन बैठा, दो चार आदमी ने हाथ बैठा और मैं देख यार बाकी पक्षा के छात्र राजनीति में बड़ो संघर्ष करियोड़ो है हर जगह भाई मांगे एबीवीपी में अच्छो काम करियोड़ो, तो ध्यान हो पूरी लिस्ट दे सर्वे करियो और पूरी लिस्ट बनाई। तो क्या साहब 35 बराबर है, 35 वो एक कम नहीं है, कटे एका तो पिनो कोई ढाणी कटे भले ही मार दी वेला तो 2, 4, 10 विधानसभा बदी है, कम नहीं हुई है, 35 विधानसभा में तो विष्णु का इफेक्ट है। तो मेरे तो आज ये मंच के मार्फत हूँ खुली चेतावनी मानो या खुलो संदेश मानो कि अगर माने एक महीने के भीतर भीतर समय में ये देश के सर्वोच्च पद माते विराजमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी मारे समाज के प्रतिनिधि मंडलों अगर वार्ता करेला और माने आश्वासन करेला कि आपके समाज को आने वाले समय में जल्दी हम आरक्षण देंगे तो मैं मारो भले एक दो मीटिंग करा ला हलो आंदोलन में नहीं जाऊँगा, बाकी मैं आप लोगों ने ये चीज़ को आह्वान करूँ कि अगर मैं आपने विश्वास नहीं दिलाए तो तहसील स्तर हरूगन राजस्थान दिल्ली तक अगर दिल्ली जंतर मंतर और चाहे पार्लियामेंट के बाहर बैठना पड़े तो आप लोगों ने हमारा हाथ बैठना पड़ेगा। और हमारा जगी मुहिम चल रही है तो आज आप सब एकत्रित हुआ तो अपने आने वाली पुस्ता वास्ते आने वाली पीढ़ी वास्ते या जो बच्चा हमारे अट पहला कोचिंग चले आप आया आज संडे का भी अट बच्चा 7-11 बजे तक एग्जाम देना आवे रविवार को बिंग अलावा रोज अटे सुबह 7 बजे ले शाम की 6 बजे तक लाला 3-4 दिनों में रोज आऊँ सब बच्चा अट आवे पढ़े माए अट बारह AC लगी उड़ा है और बड़ी हॉल है 600-700 जना माए बैठ सके। मैंने काका क्यों कि इतना भेड़ा नहीं वेला वो भी काका क्यों भैया लोन मोटी है नहीं तो भेड़ा नहीं वेला माए हॉल में राख ला AC आए बट हो रहा है मैं क्यों भाई तपिया बिना तो कोई आंदोलन है नहीं अटे तो टेंट है ढके बिना टेंट भी अपन बैठना पड़ सके। तो आ तो शुरुआत है, शुरुआत में थाने कूलर ढके थोड़ा हो रहा बैठे यहाँ और टेंट भी हो नेड़ो पुरानी हो अपन पुराना वालों टेंट हो तो जी में तब तभी कम नया पतलिया टेंट लागता था आपके बड़े आज गर्मी हल्ली लागती उमस हुई है। तो आपने आज अगर टेंट मिली हो तो आगे मैं आपने विश्वास नहीं दिला सकूं कि आपने आगे भी टेंट मिलेगा या आगे भी आपने कूलर के हमें बैठने की जगह मिलेगा। तो आप लोगों ने आज अगर आप लोग आए हो तो मौजूद सभी व्यक्ति इतना सक्षम है कि कम से कम 20 आदमी 30 आदमी 50 आदमी हाथ ले ना सके। आज आप बात सब लोगों की सुनी और मेरे ख्याल आप सब लोग सक्षम हो कि 50-50 व्यक्ति आप सब ला सको क्योंकि सब फौजी व्यक्ति हटाया अगर छात्र सब आया है तो वह भी जितना सक्षम है क्योंकि कक्षा में जितना भी विष्णु पढ़े बान सभा ने ला सके। और आप लोगों ने मैं विश्वास दिलाऊं कि अगर आप लोग इमें पूरे मुहिम में आप लोग हाथे रहोला आप कंधा मिनाला अगर चलोला तो आप लोगों ने विश्वास दिलाऊं कि एक महीना तो बड़ी बात है अगर आज की अपनी धमकियां भी बराबर पहुंच गई एक हफ्ते में अगर केंद्र वाला नहीं बुला मिला देवे तो भी आप देख लो परिवर्तन आपके यहाँ में दिखेला और नहीं तो अपन ने जल्द जोधपुर में आज मान लो 1000-2000 पेड़ या खेती को समय लिखोड़ो भाई किसान वर्ग है दूध बेच के हर चीज करके हम काम चलाते ये हमारा धंधा है खेती एक धंधो है। आज सब किसान खुद की खेती छोड़ सब क्योंकि गांवों में बारिश हुई है बने भी बड़े खेती रुकाड़नी है खेत रुकाड़ना है तो मैं सब काम छोड़ना आप सब लोग अटे आया हो तो बिंग वास्ते मैं आप सब लोगों को हृदय की कह रही हूँ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँ और आप लोगों आशा और अपेक्षा करूँ कि आप जी तरह आज आप एक छोटी की इतला में थे आप सब लोग अटे एकत्रित हुआ आगे आने वाले समय में आप और गांव और लोगों ने आवला और अटे ज़्यादा एकत्रित होला अगर आपने अटे आगे भी खुली अगर चेतावनी पड़ी तो रावण के चबूतरे में भेड़ा हो और 50,000 लोग अगर भेड़ा करना हो या तो 50,000 लोग अगर आप भेड़ा कराला और खुली चेतावनी देवाला क्योंकि केंद्र में पहला कांग्रेस की सरकार रही अब 9 साल बीजेपी की सरकार है
10 साल कांग्रेस और इंगा भी हम 10 पूरा होना ले। अगर हमें आरक्षण नहीं मिलियो तो आगे कटे कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि थोड़ा 5-10 साल इंगा मजा ले लो, 10 साल बाद आरक्षण ही खत्म हो जाना। तो हमें और समय है कि आपका आपा इन लोगों इन आरक्षण को कितो फायदो ले सका, आपा कितो हाको कर सका। अगर आपा जितो हाको कराला भी तो अपना नेता मजबूत वाला। आज समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है कि बिश्नोई समाज 50 लाख की जनसंख्या है अगर, और अपनी पार्लियामेंट में आवाज रखनी हो एक सांसद बिश्नोई नहीं है, ना राज्यसभा में और ना लोकसभा में। तो ये माते भी बड़ी सोचन की बात है। और मैं इनको खुली चेतावनी मैं सभी लोकसभा है सातों लोकसभा ने दूं कि अगर आप लोगों ने हमारी पैरवी आपके शीर्ष नेतृत्व से नहीं की तो खुली चेतावनी है कि बिश्नोई के युवा आपके चुनाव में बैठे हुए वोट देवनंदी में हम वोट से बहिष्कार करेंगे। मैं वोट ही देवनंदी जवाला इनको मैं बाने खुली चेतावनी दी हूँ। बाकी आप सब लोग पधारिया बिंग वास्ते धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।